लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गठबंधन को लेकर नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच बसपा ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिनसे गठबंधन को झटका लग सकता है। चुनाव 2024 के पहले एक और जहां गठबंधन बनने की कवायद शुरू हो गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंक रखा है। अब यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनने वाले गठबंधन में कांग्रेस कितनी कुर्बानी को तैयार होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूपी में सिर्फ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से ही बात बन जाएगी। इन सबके बीच मायावती के कुछ फैसलों से यह संकेत मिल रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसी संभावित गठबंधन का वह और उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं होगी। चाहे नई संसद के उद्घाटन का फैसला हो या हाल ही में विधान परिषद की सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर सपा पर आरोप लगाने की बात, दोनों ही मुद्दे पर ही बसपा की प्रतिक्रिया से यह संकेत मिल रहे हैं कि वह गठबंधन में शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि बिना बसपा के राज्य में कोई गठबंधन कारगर नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट,